रायसेन में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 8 संभागों के 153 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ताइक्वांडो खिलाड़ियों के का जो है जोरदार मुकाबला देखने को मिला। इन मुकाबलों में बालक और बालिका दोनों ही वर्गों में भोपाल संभाग का दबदबा रहा। बालिका वर्ग में जो है 36 और बालक वर्ग में 28 अंक हासिल कर भोपाल संभाग विजेता बना। वहीं इंदौर संभाग दूसरे और ग्वालियर तीसरे स्थान पर रहा। इस तरह बालक वर्ग में सागर संभाग दूसरे और इंदौर संभाग में तीसरे स्थान पर रहा। इन सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि सविता जमुना सेन, ताइक्वांडो एसोसिएशन के प्रदेश सचिव दिलीप थापा, मास्टर कोच दिनेश दिवाकर, सुरेंद्र सिंह ने ट्रॉफी प्रदान की। वहीं दर्शकों ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। आज का तो सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो करा रहे हैं। वो कल जो बीत चुका कल उसके लिए कल तो जो हमारे जीएम मैम है शिक्षा विभाग से जो आए हैं उनको गर्ल्स को कराना चाहिए था जो कि नहीं कराया और वो बच्चे होटल में जाके खाए तो मैम ने अपना पैसा पे कर दिया और बच्चों का छोड़ दिया। बच्चे बेचारे होटल पे ही रह गए तो फिर उनका पैसा मैंने अपने पास से पे किया। अच्छा खाने की क्या व्यवस्था थी? खाने की व्यवस्था तो जीएम की तरफ से होना चाहिए था बट यहाँ पे जीएम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हमें कल हमारा वेट था बट हम लोग का वेट लेट हुआ था और जब हम लोग हॉस्टल में गए थे वहाँ खाना ख़त्म हो गया था। हमने मैम से बोला कि मैम हम लोग को भूख लगी है आप हमें खाना खिला दीजिए। मैम ने बोला ठीक है चलो। फिर हम लोग वहाँ पर गए भी और खाए भी लेकिन मैम ने सिर्फ अपनी पेमेंट करके आ गई। हम लोग की पेमेंट नहीं किया मैम ने और अगर हमारे सीनियर कोच नहीं आते तो हम लोग तो वहीं बैठे रह जाते।